स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। आज हम आपके लिए ले आए हैं बीरस और इस वीडियो में हम एक और रस का जिक्र करेंगे, अद्भुत रस। इससे पहले हमने श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार एवं हास्य रस, करुण रस, विवत्स रस का जिक्र कर लिया है। आप अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आप के लिए और बेहतर कर सकें। जो भी हमारे अंदर कमियां आ रही हैं इस चैनल पे, उसके लिए हम कुछ बेहतर आपके लिए कर सकें। उम्मीद कर रहे हैं कि यह जो हमारा चैनल है वो आपके लिए कुछ सहायता कर रहा होगा आपको पढ़ने में, ताकि आप अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन आपके द्वारा होता रहे। आज हम आपको बता रहे हैं बीरस, अत्यंत कठिन कार्य करने से जो उत्साह नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वहां पर बीरस होता है। क्या कि काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं तो आपके मन में जो उत्साह होता है वहां पे बीरस होता है। जैसे आप उदाहरण देखते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखी सुकुमार मत जानो मुझे, युद्ध में यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यह तब का वर्णन है जब अभिमन्यु के पिता अर्जुन जो है वह चले गए रहते हैं युद्ध से, तो उस समय कौरवों की तरफ से चक्रव्यूह रचा जाता है और चक्रव्यूह में जो अभिमन्यु होते हैं वो अपने माँ के गर्भ में सुने होते हैं चक्रव्यूह वेदन की कला, वो जानते रहते हैं, तो उन्हीं को खड़ा किया जाता है और सब लोग जानते हैं कि वो अंतिम जो चक्रव्यूह है वो नहीं भेज पाएंगे और इसी कारण से सभी वहां पर उपस्थित जो भी लोग रहते हैं वो बहुत दुखी होते हैं। तो उस समय जो अभिमन्यु हैं वो कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखी सुकुमार मत जानो मुझे, वहां पे उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ मुझे सुकुमार अत्यंत कोमल बालक मत जानो, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। यदि यमराज से भी मेरा युद्ध होगा तो फिर वहां पर भी मुझे सदा प्रस्तुत मानो, यानी उनके समक्ष भी मुझे खड़ा मानो, अर्थात मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तो इन काव्य पंक्तियों को जब आप पढ़ते हैं तो आपके मन में एक वीरता वाला भाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर वीरस है। या आप देखते होंगे जब किसी भी जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन प्रभात फेरी होती है कई स्कूलों में, तो वहां पर प्रभात फेरी के समय कुछ जो दल होते हैं वो चलते वक्त कुछ काव्य जैसे कुछ पंक्तियों का घोष करते हैं, तो वहां पर क्या होता है वीरस होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, दल कभी रुके नहीं ध्वज कभी झुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो यह जो है वो एक अजीब साथ के मन में उत्साह वीरता वाला उत्साह उत्पन्न करता है। इन काव्य पंक्तियों को जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो जो उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वहां पर वीरस होता है। जैसे आप और भी उदाहरण देखेंगे, बुंदेले हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। या आप राणा प्रताप जी की जो भी पढ़े, रणवीर चौकरी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो यह जो भी पंक्तियां हैं यह जब आपके मन में जो अस्थाई भाव उत्साह की उत्पत्ति करती है तो वहां पर बीरस होता है। नेक्स्ट आपका जो रस है वो है आपका अद्भुत रस, जिसका अस्थाई भाव होता है विस्मय। विस्मय का शाब्दिक अर्थ होता है आश्चर्य, शाब्दिक अर्थ होता है आश्चर्य। यानी जब किन्हीं काव्य पंक्तियों को आप पढ़ते हैं तो वहां पर आश्चर्य की अनुभूति होती है, या किसी आश्चर्यजनक चीजों को देखते हैं तो वहां आश्चर्य नामक अस्थाई भाव आपके मन में उत्पन्न होता है, तो वहां पर अद्भुत रस होता है। जैसे उदाहरण आप देखेंगे, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया क्षण भर को बनी अचेतन, को बनी अचेतन, अचेतन हिल न सकी कोमल काया, हिल न सकी कोमल काया,
यह तब का वर्णन है जब कृष्ण भगवान अपने बाल लीला में है और उनकी माता यशोदा जब वो मिट्टी खा लेते हैं तो उनकी जो माता यशोदा होती है वो कहती है लल्ला तो मुंह खोल कर दिखाओ। तो वो जब दिखाते हैं देख यशोदा शिशु के मुख में, तो वो जब मुंह खोलते हैं तो उनके शिशु अर्थात बाल कृष्ण के मुख में सकल विश्व की माया, संपूर्ण विश्व को वो देखती है, संपूर्ण विश्व की माया को देखती है। क्षण मन को बनी अचेतन किन्न सखी कोमल काया, वह पल भर के लिए वो सुदबुद्ध खो देती है और वह हिल डुल भी नहीं पाती है, अर्थात वह एकदम सेम अपना वो खो देती है, अचेतन हो जाती है अवस्था में। हिल न सकी कोमल काया, वह कोमल शरीर वाली स्त्री अर्थात यशोदा मैया हिल भी नहीं पाती है। वहां पर जो आश्चर्य नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है वहां अद्भुत रस होता है।